दिन पहले दिल्ली में दुर्गा पूजा में शामिल होने गए थे। यहाँ इन्होंने जनता का खूब एंटरटेनमेंट किया और आपस में भी खूब मौज मस्ती की। इस दौरान उनके कुछ फैंस ने उन्हें घेर लिया था और इन सब पर खूब प्यार भी लुटाया था। एक महिला तो पवनदीप की आवाज सुनकर हॉल में बुरी तरह रोती नजर आ रही थी। कुछ फैंस ऐसे थे जो पवनदीप अर्दा के लिए खास तोहफे भी लाए थे। एक फैन पवनदीप को किस करते नजर आ रहा था और सब अपने अपने तरीके से पवनदीप अर्दा पर प्यार लुटाते आए। बाद में पवनदीप ने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें कुछ दिलचस्प बात बोली, तो चलिए पवनदीप की वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, हमारा ऋषिकेश की खूबसूरत सुबह वाला ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दिल्ली एयरपोर्ट पर पवनदीप अर्दा खूब मौज मस्ती करते हैं और वहाँ पवनदीप अपना चेहरा कवर करके बैठते हैं क्योंकि उनके फैंस उन्हें जहाँ देखते हैं वहाँ चले जाते हैं और फिर पवनदीप अपने फैंस को मना भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी पवनदीप को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहचान लिया गया। वो जमीन पर बैठकर अरुणिता से और अपनी टीम से बातें कर रहे थे। जैसे ही पवनदीप वहाँ मंच पर पहुँचते हैं, पवनदीप को भीड़ घेर लेती और उनसे सवाल पूछना शुरू कर देती है। पवनदीप ने कहा कि मुझे बस आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पवनदीप की ये बात सुनकर हर कोई खुश हो गया, तालियां बजने लगी, सीटियां बजने लगी। और उसके बाद एक फैन ने पूछा कि आपकी और अर्णता की दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तब पवनदीप पहले तो साइलेंट हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि बस आपकी कृपा बनी रहे, सब अच्छा हो जाएगा। अरुणिता हमारी अच्छी दोस्त है, बहुत सपोर्टिंग है, मैं उनके साथ रहता हूँ तो अच्छा महसूस करता हूँ और कभी अकेलापन नहीं लगता। अब आप समझ जाएं कि पवनदीप अर्दा का रिश्ता कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल पवनदीप, अरुणिता और इनकी पूरी टीम कल रात एयरपोर्ट पर इंतजार करती नजर आई थी। कल इनका गुवाहाटी में शो था और शो से जुड़ी कई ढेर सारी वीडियोस आ चुकी हैं। दिलचस्प वीडियो देखकर फैंस भी खूब कमेंट किए जा रहे हैं। और जैसे ही अरुणिता गुवाहाटी पहुंची, वहाँ शो के लिए तैयार होती हैं, तो वो वीडियो बनाती हैं और वीडियो ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत स्पेशल है, स्पेशल लोगों के लिए है। जी हाँ, वो स्पेशल कोई और नहीं बल्कि पवनदीप है। अरुणिता की इस रील वीडियो में अरुणिता बार बार अपने सूट को दिखा रही है, हालांकि वो तो पोज दे रही है, लेकिन फैंस ने मजे लेते हुए कहा कि वो जिस तरह से सूट दिखा रही है, क्या वो पवनदीप ने दिलवाया है। जरूर पवनदीप की पसंद का सूट पहना है आज अरुणिता ने गुवाहाटी की परफॉर्मेंस के दौरान। वाकई अरुणिता का ये सूट उन पर बहुत जच रहा है और अरुणिता इस सूट को पहनकर अंदर ही अंदर खुश हो रही है, जिसे देखकर अंदाजा नहीं बल्कि यकीन होने लगा है कि पवनदीप की ही निशानी है। वैसे पवनदीप अर्दा को कई बार शॉपिंग करवाते देखे गए, अब ये सूट भी पवनदीप ने ही दिलवाया होगा। अरुणिता रूम में बैठकर कई वीडियोस बनाती है, उसके बाद वो ज्योति दीप के साथ फोटो शूट भी करवाती है। अरुणिता और ज्योति दीप के कई ढेर सारे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनके शो से जुड़े वीडियोस ने फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। तो आप अरुणिता पवन के इस शो को लेकर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप के रंगरेज रे गाने का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार आज पवनदीप का रंगरेज रे गाना रिलीज हो ही चुका। गाने के बोल और लिरिक्स तो बहुत प्यारे हैं, साथ ही गाने में एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन की गई है। आर्मी ऑफिसर और उनकी वाइफ की लव स्टोरी को दिखाया जाता है। कुल मिलाकर गाने की एक्टिंग और पवनदीप की आवाज ने दिल खुश कर दिया। सब कुछ बेहतरीन था, बस कमी थी तो बस अरुणिता की। अरुणिता की जगह इस गाने में वसुंधरा ने अपनी आवाज दी। फैंस का कहना कि अगर पवनदीप अरुणिता इस गाने में न केवल आवाज देते बल्कि एक्टिंग भी करते तो बात कुछ अलग होती। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या पवनदीप अरुणिता इस गाने में एक्टिंग बेहतरीन करते, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आप भी बताइए कि क्या पवन अरुणिता की जगह कोई ले सकता है, शायद आप भी नहीं बोलेंगे। लेकिन उससे पहले शो की कंटेस्टेंट विदिप्ता चक्रवर्ती की आवाज सुन ले और रीतो रिवा का किस्सा तो बताने की जरूरत ही नहीं है। यही तो कंटेस्टेंट है जो पवन अर्दा की जगह ले सकते हैं, क्योंकि अब लोगों का ध्यान इन्हीं पर है। लोग इनकी एक एक खबर जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं। विदिप्ता की तुलना अरुणिता से की जा रही है और रीतो रिवा की तुलना पवनदीप से की जा रही है। विदिप्ता की बात करें तो वो अरुणिता से भी आगे निकल गई है, क्योंकि विदिप्ता को महज 15 दिन में ही फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मौका मिल गया है। किसी कंटेस्टेंट के लिए आम बात नहीं है।
एक तरह से विद्वता की किस्मत चमक गई है। अरुणिता को भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी तब जाकर उन्हें बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाना गाने का मौका मिला था, लेकिन सुभाष घई ने सीधे विद्वता को अपनी फिल्म में लेने की बात कही है। वो उन्हें एक्ट्रेस बनाना चाहते हैं। खास बात यह है कि विद्वता भी कोलकाता से आई है। ऐसे में अरुणिता और विद्वता में कांटे की टक्कर है। महज 17 साल की विद्वता चक्रवर्ती की अपनी सुरीली परफॉर्मेंस ने मौसम म्यूजिकाना बना दिया। जज नेहा कक्कड़ ने विद्वता की तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आवाज में न सिर्फ एक तरह की दिव्यता है बल्कि आप में भी एक मासूमियत की भावना है। इन दोनों क्वालिटी ने आपकी परफॉर्मेंस को बेमिसाल बना दिया। मुझे यकीन है कि आप बहुत आगे तक जाएंगी और आपको इंडियन आइडल 13 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी नेहा कक्कड़ ने विद्वता को विनर बनाने के लिए भी एक तरह से सेलेक्ट कर लिया है। अब देखना होगा कि विद्वता और ऋतु रिवा की वजह से क्या पवनदीप अरुणिता कहीं खो जाएंगे। और ये पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी पवनदीप अरुणिता के फैंस हैं तो उनके लिए राय जरूर दें। तो फैंस, हाल ही में अरुणिता बंगाल इवेंट में गई थी। इसके साथ ही वो पास में एक पंडाल में गई थी जहां दुर्गा पूजा हो रही थी। वहां अरुणिता एमएलए से मिली और अरुणिता से एमएलए मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अरुणिता की तारीफ की, माइक में अरुणिता से कुछ बातें ऐसी की जिससे सुनकर अरुणिता खुश हो गई, उनका सम्मान किया और फिर अरुणिता से बंगाली भाषा में बात की गई तो अरुणिता भी बंगाली भाषा में जवाब देती है। अरुणिता की बंगाली लैंग्वेज सुनकर फैंस बहुत खुश हुए। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अरुणिता पर खूब फूल भी बरसाए जा रहे हैं। अरुणिता से काफी सारे लोग मिले और वो बहुत खुश हुई, अपने फैंस को धन्यवाद कह रही हैं और भी कुछ बातें भी की हैं उन्होंने। दरअसल पवन अरुणिता की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पवन अरुणिता का प्यार साफ देखा जा रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं वो भी देखिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब अरुणिता पवन के घर चंपावत उनकी बहन चांदनी की शादी में गई थी। अरुणिता ने पवन के घर में शादी में कितना कुछ इंजॉय किया था वो सारी वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि पवनदीप ने अपने घर की इस शादी में स्पेशली अरुणिता को इनवाइट किया था और अरुणिता दो चार दिन पहले ही चंपावत यानी अपनी ससुराल पहुंच गई थी। उन्होंने चांदनी की शादी के हर फंक्शन को मजे से एंजॉय किया। संगीत सेरेमनी में अरुणिता ने खूब नाच गाना भी किया था। हम आपको ये सारी वीडियो पहले ही दिखा चुके लेकिन शायद ये वीडियो आपसे चूक गई होगी जिसमें अरुणिता और पवन का स्पेशली प्यार दिखाया जा रहा है और संगीत सेरेमनी में इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज देखा गया, आंखों ही आंखों एक दूसरे से इशारे करते देखा गया। वो देखिए, हुआ ये कि संगीत सेरेमनी के दौरान सभी गेस्ट थे और उन गेस्ट के बीच में पवनदीप अपनी दोनों बहनें और अरुणिता के साथ बैठे थे। तभी चांदनी राजन पवनदीप के कंधों पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करवाने लगती हैं। जो दीप देखती है तो वो भी पवनदीप के आगे बैठ जाती है और पवन के हाथों को अपने कंधे पर रखकर वो भी फोटो क्लिक करवाने लगती है। भाई बहन का लाड़ प्यार चल रहा था, मौज मस्ती हो रही थी। तभी पवनदीप ने देखा कि अरुणिता की कमी है, वो तुरंत अरुणिता की तरफ इशारा करते हैं। पवनदीप ने इस फैमिली फोटो में अरुणिता को भी बुलाया। पवनदीप अरुणिता की तरफ इशारा करते हैं कि तुम पीछे क्यों हो, तुम भी आओ हमारे साथ। मतलब साफ है कि पवनदीप ने भी अरुणिता को अपनी फैमिली मेंबर मान लिया था उसी दिन से।